बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज फाइनली हमारे शहर में भी XUV 7W आ गई है और फर्स्ट इम्प्रेशन है, फर्स्ट टाइम मैं ये गाड़ी देख रहा हूँ। और अगर सही बताऊँ तो फर्स्ट टाइम देखते ही, भाई सही बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देखते ही गाड़ी से प्यार हो गया। बहुत ही ज़्यादा किलर लुक है। फर्स्ट अगर आपको सामने से दिखाऊँ मैं, सबसे पहले आप नोटिस करोगे महिंद्रा के न्यू लोगो, खतरनाक भाई। मतलब पता नहीं वीडियो में आपको सही पता चल रहा है या नहीं, एक्चुअल में देखने में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि लगती नहीं है ये महिंद्रा की गाड़ी, इसलिए अच्छा किया महिंद्रा ने ये लोगो चेंज कर दिया। फ्रंट पे पियानो ब्लैक फिनिश, क्या लुक है यार गाड़ी की, क्या बताऊँ आपको इस बार इस गाड़ी के बारे में। LED लाइट्स हैं यहाँ पे, DIYs हैं नीचे, फॉग लाइट ये भी LED है यहाँ पे, एयर इनटेक होती है। साइड से दिखाऊं तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, सीरियसली यार खतरनाक। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आती हैं इसमें। कई लोगों को ना जब उन्होंने फ़ोटोज़ देखी थी तो अलॉय व्हील्स अच्छे नहीं लगे थे, गाड़ी की लुक अच्छी नहीं लगी थी, भैया जब आप एक्चुअल में ये गाड़ी देखते हो ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाड़ी है बहुत। फ्रंट पे एक और चीज़ आप नोटिस करोगे ये, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा है यहाँ पे, और जो ये ग्रिल दी हुई है ना, बहुत ज़्यादा ब्रॉड, बहुत बड़ी ग्रिल है, ये देखो आप इतनी बड़ी, बहुत ही ना लाइक अगर आप फ्रंट से देखते हो तो ऐसे लगता है बहुत बड़ी गाड़ी है। XUV अगर 500 से कंपेयर करते हो तो ये गाड़ी आपको उससे बड़ी लगती है। 360 कैमरा जैसे मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे भी आपको OIVM पे कैमरा आएगा। और सेकंड चीज़ जो सीरियसली अच्छी लग रही है वो ये इसके डोर हैंडल्स, इंटीरियर आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, गाड़ी ड्राइव भी कर लिया मैंने। अगर आपको इंटीरियर का बताऊँ तो मैं 10 में से ये निकलूँगा कि 9.5, 10 में से मैं 10 ही दूंगा इस गाड़ी को। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स आती हैं इसमें, ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी है, अभी मैंने गाड़ी ड्राइव की थी। बैक लाइट बहुत सोहनी है यार, ये सारी LED का पार्ट है। XUV 7W की बैजिंग यहाँ पे, AX7 टॉप मॉडल है ये। ये आपको थोड़ा सा ना अलग लगेगा कि आपने बाद में लगवाया होता है ना, जैसे आफ्टर मार्केट ये चीज़, पर ठीक है ये चीज़ देख के ना इस चीज़ का इतना पता नहीं चलता। पीछे बैक कैमरा, यहाँ पे वॉशर, डिफॉगर और वाइपर पीछे है, यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, लुक इनहेंस करता है नो डाउट, देखने में अच्छा लगता है ये। फ्यूल लिट और पीछे कोई और बैजिंग नहीं है। यहाँ पे और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे पीछे सिर्फ दो पार्किंग सेंसर्स हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और पार्किंग सेंसर नहीं है यहाँ पे। पर अगर 360 डिग्री व्यू है तो मुझे लगता है आपको नीड भी है इसकी। चलो बूट स्पेस ओपन करूँ, बूट स्पेस इस गाड़ी में नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सफारी में है ना, मुझे लगता है सफारी से भी कम है इसकी। बट अगर यही इसे आप 5 सीटर में मतलब कन्वर्ट कर लेते हो, कंसीडर करते हो 5 सीटर में, तो इसकी बूट स्पेस 80 मिल जाएगी आपको, 50-50 स्प्लिट होगी। ये बूट स्पेस इस गाड़ी की, फिर तो बहुत है, जितना मर्जी लगे जाके रख लो यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी का वूफर आएगा, इसे उठा ही लेते हैं। यहाँ पे टूल किट, भाई महिंद्रा ने यार अच्छा काम किया है नो डाउट। क्या बोलते हो, इंटीरियर दिखा दूं मैं, च
चलो फिर छोड़ो, बहुत देर होगी, अभी इंटरव्यू दिखाई देता हूँ आपको। इतनी देर से आप लोग वेट कर रहे हो, आ जा भाई बाहर। हाँ जी, सबसे पहले नोटिस कर रहे हो आप ये चीज़, सीरियसली बहुत अच्छी लगी मुझे। ऑल फॉर पावर विंडोज ऑब्वियस है, इस गाड़ी में तो आएंगे। चलो अंदर आते हैं। यहाँ पे आप फील करोगे कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो, सीरियसली। ये ड्यूल डिस्प्ले है, एक नहीं है। अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन पता चल जाएगी आपको, इतनी पार्टीशन है यहाँ पे। इसके इस साइड ना ये चीज़, ये अलग डिस्प्ले है 10.25 इंचेस की, ये अलग डिस्प्ले है 10.25 इंचेस की, और टस्क रिस्पॉन्स ए क्लास। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर लूँ यार, गाड़ी स्टार्ट ही करते हैं। गाड़ी स्टार्ट है और सीरियसली भाई कोई इंजन नॉइज नहीं है। यहाँ पे आप सीट एडजस्ट कर सकते हो, मेमोरी सीट का ऑप्शन है, ये सेम मर्सिडीज वाला है सेम। यहाँ पे अगर लॉक एंड लॉक भी देते ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। चलो कोई नहीं, एसी ऑन करिए। एक्चुअली ना गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ड्यूल इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आएगा, दोनों साइड का अलग अलग एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ये भी चेंज कर सकते हो, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं यार, मुझे ना सही बताऊँ तो अभी इतना नहीं पता मुझे गाड़ी के बारे में, तो जितना पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। जो मुझे सबसे अच्छी लगी ना वो है, दिखाता हूँ अभी, डिस्प्ले लेआउट। यहाँ पे गया एंटर, मिनिमल, यहाँ पे गया ओके, ये वाली ठीक है, ये आ गया फेवरेट वाला ऑप्शन। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, फ़ोन के कंट्रोल, ब्लूटूथ, एफएम रेडियो, वो तो आजकल हर गाड़ी में ही आता है, इसमें भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, जो वायरलेस भी कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है ऐसे अगर डिस्प्ले ऑफ होना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लगता है नहीं कि ये दो अलग अलग डिस्प्ले हैं। एसी वेंट्स नीचे आएंगे इस पर, यहाँ पे कंट्रोल्स, हज़ार लाइट, कुछ इनमें से ये यूज़ होने वाले नहीं है, मतलब ये बटन्स ही नहीं है। अभी जो चीज़ आपको अच्छी लगी है ना इंटीरियर में वो ये है कि ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ये सॉफ्ट लेदर है। ये हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे हार्ड लेदर है। डे नाइट IIVM, ये तो भाई महिंद्रा ऑटो डिपिंग दे देते हैं। सनग्लास होल्डर भैया, सनग्लास ना होल्डर बहुत छोटा है इसका। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इवन टिकट होल्डर भी नहीं आएंगे यहाँ पे। इस साइड देखते हैं, हाँ इस साइड है लाइट के साथ। चलो ये अच्छा है, थैंक यू महिंद्रा। अभी यार सबसे पहले और जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो ये है, बस और क्या चाहिए। सेगमेंट में सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, इसे बंद कर देता हूँ। ये वन टच है तो भाई इंटीरियर 10 में से 10 नो डाउट। ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन है और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स कर सकते हो आप सारे म्यूजिक के, वॉल्यूम कंट्रोल या जो भी आपको यहाँ से कंट्रोल करने होंगे कम्प्लीटली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कॉलिंग का यहाँ पे है, होम बटन यहाँ पे है, इसका म्यूजिक का यहाँ पे है। इस गाड़ी की चाबी आपको दिखाता हूँ मैं, ये गाड़ी की चाबी है, लॉक अनलॉक और बूट का फ्लिप की मिलेगी आपको, इसमें खुल जाए सम वाली। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग। अगर आप एक और चीज़ मुझे यहाँ पे
पता चली है कि अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन लेते हो तो आपको टिल्ट, स्टेविंग और टेलीस्कोप दोनों मिलेगा। यही अगर आप मैनुअल लोगे तो सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोप नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक और बात, ये बहुत हार्ड है ये चीज़, टिल्ट करना और टेलीस्कोप करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो आगे वाली जो सीट है ना, ये इसे मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग या अपने हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इतनी ठीक है, और ये चीज़ मुझे ऐसे ना थोड़ी पीछे करके चलाता हूँ मैं गाड़ी, तो यहाँ पे मुझे ठीक है ना। तो पीछे चल के देखते हैं कि कितनी स्पेस गाड़ी देती है हमें। और यार मीटर तो इतना अच्छा है इसका, इंटीरियर तो यार मन ही नहीं करता पीछे जाने का। आके यार चलो पीछे चलते हैं, बहुत हो गया। 360 डिग्री मैंने आपको बता दिया, चला के भी दिखा दूंगा, उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, कैमरे क्वालिटी। पीछे चलते हैं, अंदर आना इजी है, ज़्यादा ऊँची नहीं है नीचे से गाड़ी, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है इसकी। तो यार स्पेस ठीक है, डिसेंट है, हेडरूम अच्छा है, यहाँ पे वेटिंग लैंप्स है, नीचे एसी वेंट है और नीचे फ्लैट है बिल्कुल, तो तीन लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो टॉप मॉडल में आपको 7 सीटें की ही ऑप्शन मिलेगी, और टॉप मॉडल को फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मुझे टॉप मॉडल ही पसंद आया गाड़ी का, अगर टॉप मॉडल लूँगा तो 7 सीटें ही लूँगा। पर 7 सीटें में अगर आप लेते हो तो पीछे थर्ड रो में स्पेस नहीं है, तो इसी को आप 5 सीटर में ना चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, पीछे बूट स्पेस आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो अगर आप साइड वाला डोर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, प्रीमियम लुक भाई। दो कप होल्डर, तो महिंद्रा भी इस टाइम जो काम कर रही है वो कर रही है डिज़ाइन पे, सेफ्टी पे और कंफर्ट पे। तो सीट्स नो डाउट कंफर्टेबल हैं, डिज़ाइन आपने देख ही लिया है सामने। और जहाँ तक बात है सेफ्टी की, तो आपको महिंद्रा की सेफ्टी पता ही है, चाहे वो SUV 300 हो, चाहे 500 हो, चाहे 700 हो। तो मुझे लगता है कि ये 5 स्टार से कम रेटिंग लेके आएगी गाड़ी, नो डाउट। गाड़ी दिखने में भी बहुत सॉलिड है, सीरियसली मैन, वाह मैन, महिंद्रा आपके लिए बिग थम्स अप। 360 व्यू, इन दोनों में क्या फर्क है? थर्ड व्यू में जाके देखते हैं आप, ये तो ठीक है यार, सेकंड व्यू ठीक है, थर्ड व्यू में ही चलते हैं। सेकंड व्यू तो ना क्रेटा की भी अच्छी है, सेल्टोस के भी ठीक है। भाई ने फ्यूल लिड खोल दिया था, ये भी आप स्पेस देख सकते हो, भैया बैठे हैं यहाँ पे, आप कंफर्टेबल बैठे हो, तो ठीक है। पीछे बैठ के देखते हैं, आना एक मिनट बाहर, थोड़े वो देख ही लेते हैं। वन टच है, तो पीछे स्पेस, ये पीछे एडजस्टेबल है, बस ठीक है। तो पीछे भाई स्पेस अगर मैं कहूँ तो ठीक ठीक है, ये देखो मतलब अगर आप पीछे बैठते हो तो, एक मिनट देखते हैं अभी स्पेस, बैठो आप कंफर्टेबल है, सिर लग रहा है ना, ना हेड रूम है, ना यहाँ पे लेग रूम है, ना अंडर थाई सपोर्ट है, पीछे एसी वेंट्स दिए हुए हैं। ये तो ठीक है, एसी यूसी वाला जगह तो ठीक है, पीछे ये चीज़ें क्या है, ट्रांस वोल्ट सॉकेट दिए हुए हैं, कप होल्डर दिए हैं, डिजिटल म्यूजिक सुनो आप, देखते हैं बाहर निकलना कैसे, टफ है या इजी है। पीछे बैठ के देखो, कंफर्टेबल है। तो अभी मेरे साथ एक भैया बैठे हैं, वो बताएंगे कि उनको गाड़ी कैसी लगी। भैया बताना,
हाय, गाड़ी तो यार बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से इसका अमाउंट है, फीचर्स हैं, मतलब प्रॉपर लग्जरी फीलिंग आती है कि हाँ कि हम किसी चीज़ में बैठे हैं। भैया अगर आपने कंपेयर करना हो तो आप किस गाड़ी से कंपेयर करोगे इसको? देखो अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो देखो एसयूवी का जो हम मोस्टली कंपैरिजन करते हैं या तो एंडेवर के साथ करते हैं या फॉर्चूनर के साथ करते हैं, हाँ जी लेकिन देखो इतने फीचर्स जो इन्होंने दिए हैं वो फॉर्चूनर में तो है ही नहीं। ठीक है, अगर हम एंडेवर की बात भी करते हैं तो उसका अगर हम प्राइस भी देखें तो 20 लाख प्लस है। हाँ जी ये हम 25 लाख की हमें मिल रही है, वो हमें 45 लाख की मिलती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो देखो आज की डेट में तो इस रेट में इतने फीचर्स कोई कंपनी नहीं दे रही। बिल्कुल। और भैया वैसे भी फोर्ड तो अब बंद हो गया, डिसकंटिन्यू हो फोर्ड तो गया। वैसे ही बंद हो गया हाँ है, तो तो अभी अभी आज की डेट में कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। ठीक है। और इस पे में तो या तो सेल्टोस आएगी इस या क्रेटा हाँ आएगी। या क्रेटा आएगी, क्रेटा वो फिर सेडान बेस में आ जाती है, उसको हम एसयूवी में नहीं मानते। अगर हम एसयूवी की बात करें तो बहुत अच्छा पैकेज है तो ये, प्रॉपर एसयूवी की लुक भी आपको यही देगी और प्रॉपर एसयूवी का फील भी आपको यही फील देगी भी यही गाड़ी। देगी। और गाड़ी के इंटीरियर भैया इंटीरियर तो यार अनडाउटेडली बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त फाड़, जो चीज बंदे को चाहिए होता है वो मिलता है सही बात है मिल रहा है। भैया। चलो थैंक यू ओवरऑल भैया। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और एक और बात भैया, हाँ जी चैनल है भैया यूट्यूब पे अच्छा सब्सक्राइब करना है आपने जरूर भैया, चैंपियन ब्लॉग्स। चैंपियन ब्लॉक्स हाँ चैंपियन ब्लॉक्स, ओके ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। पक्का पक्का तो ठीक है भाई, ऐसे सब्सक्राइब कराऊँ मैं सबसे, आप भी कर दो। थैंक यू। थैंक यू भैया। ठीक है, आपको इंजन दिखा देता हूँ मैं, इसका बॉनेट खोल के देखते हैं कि इंजन दिखने में कैसा है। यार सच बोलूँ भाई, एक तो ये हैवी है और दूसरा ना ये काफ़ी टाइम से गाड़ी ऑन है तो ये गर्म बहुत है भाई, पता नहीं क्यों इसका इतनी हीट क्यों आ रही है, इससे खुलूगा कितों यार। अच्छा जी मैं देखा नहीं सीगा वो खुल जाएगा, एक मिनट। ओ भाई बहुत ज़्यादा हैवी है, वैसा दिखेगा आपको इंजन ही आते। यार ये हाइड्रोलिक दे देते ना तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कह देते हैं मैम, आवाज़ सुनना आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गाड़ी अच्छी लगी होगी। यार अच्छी तो बहुत है, नो डाउट। चलो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। व्हाट्सएप का एक मेरा ग्रुप है, अगर वो ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। ये कितना मॉडल है?